जम्मू और कश्मीर एंटी करप्शन ब्यूरो ने रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ब्लॉक पहलगाम में तैनात असिस्टेंट इंजीनियर को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दर्द पहुंचकर सलाखों के पीछे धकेल दिया। वस्ती जिला बडगाम के जगीपुरा चिराग शरीफ इलाके में जुम्मे के रोज तहरी खाने के बाद 39 अफराद अचानक बीमार पड़ गए और इन्हें सब जिला अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां से 18 अफराद को श्रीनगर रेफर किया गया। जम्मू और कश्मीर कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक मरकजी वजीर सैफुद्दीन सोज का कहना है कि जैसा हमको मालूम हो चुका है कि मणिपुर, मिजोरम और असम से आसपा का नफाज हटाया जा चुका है, ये बात ताजुब की है कि इस सख्त कानून को जम्मू और कश्मीर से हटाया नहीं गया है। हालांकि मरकजी वजीर दाखिला और बीजेपी के दूसरे वजीर और लीडर ये कहते आए हैं कि जम्मू और कश्मीर में सिक्योरिटी की सूरत हाल में बेहतरी आई है। हैरत अंगेज बात यह है कि जम्मू और कश्मीर के लिए दोहरा तरीका अपनाया गया है। बड़गाम में नाका चेकिंग के दौरान पुलिस चौकी हमामा के करीब पुलिस ने एक ऑटो रक्षा को रुकवाया। इस ऑटो में दो अफराद सवार थे। पुलिस ने जब इन लोगों की तलाशी ली तो इनके कब्जे से ममनूई मशनियात, कोडीन, फास्फेट की 90 बोतलें और 12,000 रुपए बरामद किए गए। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए अफराद की शिनाख्त रईस अहमद वल्दे महराज उद्दीन शेख और अशफाक अहमद सोफी वल्दे फियाज अहमद सोफी के बतौर की है। और आखिर पर मौसम महकमे मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक आने वाले 24 घंटों में मौसम रहेगा वादी में साजगार।